मिट्टी का बर्तन है और चूल्हे पर पक रहा है खाना हमारा। देखिए कैसा दिख रहा है हमारा, पूरा हरियाली से साइड से पूरे बोरा का तिरपाल लगा दी है। आप केक भी खा लिए, मजा आ गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके एक और न्यू ब्लॉग्स वीडियो में। देखिए आज क्या बनने जा रहा है, इतना सारा कुछ पूरा पकाने के लिए। देखिए एक काटा यहाँ पर है, एक काटा यहाँ पर है, और देखिए कितना टाइम लगता है, और यहाँ पर देखिए पक रहा है क्या, ये भी दिखा दे रहे हैं। हम लोग देसी भाषा में दूध पुआ बोलते हैं, और ये मिट्टी का बर्तन है, पक रहा है। देखिए कैसा पक रहा है, थोड़ा काला काला लग गया है, लगे इधर उधर ही कैसा हो गया है अभी नहीं। मैदा और सूजी का घोल है, और यहाँ पर भी है दो कटरा बनाने में रखता जी का सारा दिन बीत जाएगा, 12 बज जाएगा बनाते बनाते। तो अभी तो इधर बना बना के रख रही है रखता जी, देखिए इसमें, और यहाँ पर पक रहा है। देखिए कैसा पक रहा है, खा दे रहे हैं। मिट्टी का बर्तन है और चूल्हे पर पक रहा है खाना हमारा। और खाने में जो है ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, खाने में मन करता है ना। नहीं कादन वो नहीं करते दिन को, चाची आई थी थोड़ा भोजपुरी में बोल रही थी, भोजपुरी में बोलते हैं सब यहाँ गांव समाज के लोग हैं ना, तो भोजपुरी में बोलते हैं, इसीलिए हम भोजपुरी में बोल दिए। और रफ्ता जी पका रही है, और देखते हैं कितना समय लगता है। और ये मेरा साइकिल है, और मैं तो कल गया था डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, थोड़ा तो बहुत ज़्यादा मुझे समय लग गया तो नहीं बन पाया, पर ये सब बना करके लग रहा है कि फिर जाना पड़ेगा मुझे 9-10 बजे। तो दोस्तों अभी खाना खाने जा रहा हूँ, ये कैसा दिख रहा है, जल गया है। और रफ्ता जी उधर बना रही है अभी खाने में, और मेरा यहाँ पर खाना काट करके रेडी कर दिए, और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो ये रफ्ता जी देखिए कैसा दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, ये एक साइड से ही मतलब पकड़ता है ना रफ्ता जी, एक साइड से ही पकता है, नहीं जला है, पर जला जैसा दिख रहा है ना, एक साइड से मतलब पकता है। तो अभी चलिए खाना खा लेते हैं थोड़ा, अभी सुबह भी 10 बजने जा रहा है, और मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अभी दूध पुआ रोटी खा रहा है दोस्तों अभी, और खाए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पर हमारा आलू और कद्दू की सब्जी है, और देखिए रफ्ता जी वहाँ पर अभी बना रही है और रिकॉर्ड कर रही है, अभी रफ्ता जी रिकॉर्ड कर रही है। रफ्ता जी खाएंगे अब? नहीं बाद में खाऊंगी मैं, पहले खा लीजिए। अभी सब फूल चुका है, देखिए कैसा दिख रहा है, गिर जाएगा पूरे, एक साइड से ही मात्र पकता है ना रफ्ता जी। हाँ जी, तो चलते हैं जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी खाना खा लिए, और देखिए रफ्ता जी अभी इतना सारा अभी बना रही है, दूध पूरा बना रही है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इतना सारा है। और यहाँ पर देखिए ये कट रहे हैं यहाँ पर, और इनको समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं खाना खा लिया, और जा रहा हूँ थोड़ा डॉक्यूमेंट बनाना था ना, इसलिए थोड़ा काम था डॉक्यूमेंट बनाने का। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, और ठंड का महीना में बहुत ज़्यादा अंधेरा है यार, रूम भी अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, भर गया हम लोग का रूम भी, भर गया। तो अभी आ गया हूँ रूम में, और सोच रहा हूँ थोड़ा जूता लगा लेते, ये यहाँ पर हमारा नगीता तो बन गया था देखिए, पर ये फट चुका है ना, थोड़ा बहुत फट गया है, तो इसीलिए नहीं चलेगा, क्योंकि हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट कर देगा, तो इसलिए हम छोड़ दिए, और जा रहे हैं दूसरा बनाने के लिए, तो ये भी लेकर जाएंगे, ये रख ले रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा तुरंत, जल्दी में जाना पड़ेगा। तो साइकिल आएगी, एक तो साइकिल है, साइकिल से देखते हैं कितना समय लगता है, 1 घंटा तो लग जाएगा हमको जाने में आने में। तो खाना खा लीजिए, और हमारा जूता रफ्ता जी यहाँ पर निकाल के रख दिए। तो गाइस अभी तैयारी हो गए, और देखिए यहाँ पर दादी खाना खा रही है, और छोटा भाई है, और वहाँ पर रफ्ता जी अभी खाना बना रही है, और मैं जूता उता पहन कर तैयारी हो गया हूँ, अभी जा रहा हूँ बाहर, काम थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा ठंड लग रहा है ना, तो थोड़ा स्लो में ही साइकिल हाँक रहे हैं, और देखते हैं कितना समय लगता है, अभी तो जा ही रहे हैं सीढ़ी ऑफिस, और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है। अभी तो अभी दोपहर का 2 बज चुका है, देखिए अभी तक रफ्ता जी माल क्या बोलते हैं,
पिया। इसे दूध पुआ बोलते हैं, तो अभी तक पका रही है, एक सुबह से ही पका रही है और दोपहर का दो बज गया अभी तक पका रही है। तब तक के लिए मैं गया था, थोड़ा मेरा तो डॉक्यूमेंट के काम था ना, तो गया था, तो अभी तो डॉक्यूमेंट के काम नहीं हुआ। तो एक साइकिल से जाते रहे आते हैं और यहाँ से लगभग आपके मान के चलिए 7-8 किलोमीटर होगा। दो बार गया उधर से दो बार आया, 4 बार हो गया, 7-8 किलोमीटर। आँख दिया साइकिल, अब मन नहीं कर रहा है, पैर पूरे दुख रहा है अब, इसलिए अब नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। आज तो नहीं हुआ, आज छाप उप सब लगवा ली है, सब साइन वाइन करवा ली है और कल हमारा डॉक्यूमेंट निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए रफ्ता जी, दोपहर का दो बज गया, अब देख ले दो पुआ बना रही है, कितना बना रही है वो देखिए, वो कौन खाएगा उतना। यहाँ देखिए दोस्तों, दूध पुआ कितना बना दिए रफ्ता जी, 2 कटरा सानी थी पिसान आटा, क्या क्या था, मैदा और सूजी का घोल, 2 कटरा बनाई थी, 1 कटरा इसमें और 1 कटरा वहाँ पर धरा है, हरा कटरा बना, वो कटरा हरा है उसमें, और यहाँ पर 1 कटरा है, देखिए कितना सारा बनाया। और एक तो ये एक एक करके निकलता है, मिट्टी का बर्तन है, और ये हमारा बकरी है, कितना मज़ा का बकरी है हमारा, 3 बकरी है 3 ना रफ्ता जी, तीन बच्चा है और 1 बकरी है, तो बहुत थोड़ा कितना अच्छा दिखता है। और दादी भी आ गई देखिए यहाँ पर हमारा, और अभी तो क्या है बोलो, पटरू गांव में निकाल दीजिए। अरे पटरू हमारा देखिए कैसा हो गया है, दुबला पतला हो गया है। अरे तो 2 बजे से ही अभी तक ले सुबह से ही बना रही है, 2 बजे तक खाना, इतना सारा कौन खाएगा, सुबह से ही बना रही है। रख दीजिए, एक तो मिट्टी का बर्तन है खाना बनाने में ना रहता जी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और मैं 2 बार इधर से गया, 2 बार उधर से आया, कल आया, फिर भी हमारा डॉक्यूमेंट के काम नहीं हो पाया, कल हो जाएगा, कल गारंटी है हो जाएगा, छाप उप सब लगा दिए। कहाँ से बोल रहे हो, आज लगा दे बिहान, अब जाम ले लेम, दोबेर गए नहीं कॉलेज, दोबेर से नहीं साइकिल से बिहानगरी चल रही तो हाँ परसों से छिल। तो अभी दादी से मैं भोजपुरी में बात कर रहा था थोड़ा, और पूछ रही थी निकला है कि ना डॉक्यूमेंट, बना कि ना बना, तो अभी तो नहीं बना है, इधर उधर करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब तो 2 बज गया, अब जाएंगे तो फिर उधर से आ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा पैर दुख रहा है, साइकिल हाँ का ही थका थे, देखिए हमारा साइकिल है और छोटा साइकिल है बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और अब तो जी देखिए भाड़ा बर्तन मल रही है, अभी हम छत के ऊपर आए हैं, देखिए हमारा चूल्हा वहाँ पर है, और ये बांस बना है ना उसमें तिरपाल टांगना है, क्योंकि खाना बनाने में अब ऊपर ही खाना बनाएंगे रफ्ता जी, है ना रफ्ता जी, हाँ जी। अच्छा रहेगा खाना बनाने में, ऊपर सजीलो रहेगा और खाना बनाने में ठीक रहेगा। और वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, सब तिरपाल टांग दे रहे हैं अभी, देखिए रफ्ता जी केक ले करके क्या कर रही है, खा रही है ना, ले तो एक केक मुझे दीजिए, नीचे से दीजिए ना, और मैं केक खा रहा हूँ, और इतना सारा खाते हैं। बहुत ज्यादा क्रीम लगा दिया है, केक खा रहे हैं, केक 10 रुपए में केक खा रहे हैं, 10 रुपए में केक मिला है खाने के लिए, अभी आया था गांव में बेचने के लिए, तो किने 10 रुपए में। देखिए हमारा तिरपाल का कैसा दिख रहा है, चूल्हा का आरी आरी से साइड में लगा दी है, पूरे शिवम सीमेंट और यूनाइटेड सीमेंट का है, बहुत अच्छा दिख रहा है ना रविता जी, हाँ। खूबसूरत दिख रहा है, टांग दिए बोरा का सब बना बना करके, और रविता जी यही चूल्हा पर खाना बनाएंगे कल से बनाएंगे, हाँ। याद से नहीं, कल से बनाएंगे, खाना बन गया, फिर सब्जी बनाना है, खाना तो बन गया है, देखिए सुबह से दो बजे तक खाना बनाइए, अब खाना नहीं बनाना, सिर्फ सब्जी बनाना है। देखिए कैसा दिख रहा है हमारा, पूरा आरी आरी से साइड से पूरे बोरा का तिरपाल लगा दी है, अब केक भी खा लिए, मज़ा आ गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।